एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी एकता कपूर की सुपर नेचुरल सीरियल नागिन को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। सीरियल नागिन 6 में नजर आ रही हैं कृष्णा मुखर्जी। आपको बता दें कि नागिन 6 में कृष्णा मुखर्जी के किरदार को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि शो में लीड रोल में हर्ष राजपूत और कृष्णा मुखर्जी हैं, और जब शो आने वाला था तो फैंस इनको साथ में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इस सीरियल में सुरभि चंदना की बेटी का किरदार निभा रही हैं। कृष्णा ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2014 में चैनल वी के शो झल्ली अंजलि से की थी। उन्होंने शो में शीना का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 2015 में वो दो शोज ये है आशिकी ट्विस्ट वाला लव में दिखी थी। ट्विस्ट वाला लव में वो अर्शिया के किरदार में नजर आई थी। हालांकि दोनों ने सीरियल से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। जी हाँ, कृष्णा मुखर्जी को असल पहचान एकता कपूर के चर्चित सीरियल ये है मोहब्बतें से मिली। आपको बता दें कि शो में उन्होंने लीड जोड़ी दिव्यंका त्रिपाठी और करण पटेल की बहू का किरदार निभाया था। शो में उनकी शादी आदित्य के किरदार से हो जाती है और जो घर चलाने के साथ एक बिजनेस वुमन के तौर पर उभरती हैं। उनके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। कृष्णा मुखर्जी को इंडस्ट्री में पहचान मिलने के बाद उनकी तुलना मौनी रॉय से भी की गई। उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद फैंस ने कहना शुरू कर दिया था कि वो काफ़ी हद तक मौनी रॉय की तरह दिखती हैं। हालांकि कृष्णा को ये बात पसंद नहीं आई थी। जी हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मौनी रॉय बहुत टैलेंटेड और बहुत खूबसूरत हैं, तो ऐसे में उनकी तुलना मौनी रॉय से ना की जाए। मुझे जब कोई उनका हमशक्ल कहता है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि लोग कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि कृष्णा मुखर्जी का नाम अली गोनी के साथ भी जोड़ा गया है। जी हाँ, बताया जाता है कि अली गोनी को एक टाइम पर कृष्णा मुखर्जी डेट कर रही थी। आपको बता दें कि अब वो नागिन 6 में नज़र आ रही हैं और नागिन 6 में उनके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।